सितारों का जश्न है। यारो यारो बेटा तू ओके ठीक है ना? अग्रवाल साहब, ये कर करके क्या किया आपने? बना बना के मशीन तो बनाई, लेकिन लेकिन उसने लगा लगा के मेरे बेटे को करंट लगा दिया। नहीं मम्मी, यारो को करंट नहीं लग सकता, बस यारो थोड़ा सा चार्ज हो गया, मैं ठीक हूँ। अरे बीना जी, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? अरे बिजली तो खाना है इसका। चल बेटा यारो, शुरू कर दे मशीन। ओके पापा। ध्यान से यारो। कैसे हैं आप? हेलो, मैं हो के बहुत अच्छी हूँ। तुम कैसी हो? आई एम फाइन बीना जी, बट यू लुक लवली टुडे। हाँ मम्मी, ये तो बिल्कुल सच बोल रही है यारों की तरह। थैंक यू। मुझे तो हो के बिलीव ही नहीं हो रहा। अग्रवाल साहब, आपने तो बहुत ही अलग सी चीज बना दी। अरे आगे तो सुनिए कमाल इसका बीना जी। अगर आप इस मशीन में कोई पेंट डालेंगी जिसकी जेब में कोई मोबाइल फोन या कुछ पैसे अगर छूट गए हो, जैसे आप अक्सर भूल जाते हैं। अरे हाँ बाबा, तो ये मशीन चलेगी नहीं जब तक वो मोबाइल या पैसे आप निकाल ना लें, ये रुकी रहेगी। और आगे सुनिए, ये आपकी हर बात मानेगी, आपसे ढेरों बातें करेगी और कभी आपका कहा नहीं डालेगी, आपको परेशान भी नहीं करेगी। अग्रवाल साहब, मुझे तो लग ही नहीं रहा कि आपने बना बना के एक मशीन बनाई है मेरे लिए। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे आपने बना बना के मेरे लिए परफेक्ट बहू बना दी हो। मैं हो के बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। आज मैं आपके लिए स्पेशल आपकी पसंद का गाजर का हलवा बनाऊंगी। लेकिन मैं आपके हाथों को तकलीफ नहीं देना चाहता। एक गाजर आप छीलना, एक हम छीलेंगे। प्यार तो इसी को बोलते हैं। How romantic. चले? चले। See you. Bye-bye. प्रेम को अकल आएगी? प्रेम को अकल नहीं आएगी। प्रेम को अकल टॉली, प्रेम को अकल आएगी क्योंकि अब यारो आ गया है। सच? तुझे प्रेम को प्रेम में फंसाने की कोई तरकीब सूझी? सूझी, तरकीब सूझी। क्या बात कर रहा है यार, तो फिर बताना क्यों नहीं हो रहा है प्रेम को मुझसे प्रेम? डॉली, मेरी रिसर्च के हिसाब से प्यार बंद मुट्ठी में रेत की तरह होता है, जितना उसे कसोगे उतना वो फिसलता जाएगा। मेरे भाई, ये मुट्ठी रेत क्या कर रहा है तू? अरे मिस्त्री नहीं है, ये बनना चाहती है प्रेमिका। हाँ। प्रेम की। यार प्लीज पॉइंट पर आना। पॉइंट पे आऊं? कौन से पॉइंट पे आऊं उमर? अरे पॉइंट पे मतलब प्यार वाले पॉइंट पर आना। अच्छा तो फिर सुनने को तैयार हो जाओ। बुरा मत मानना डॉली, साफ साफ बोलूं, तुम प्रेम के पीछे हाथ धो के पीछे पड़ी हो, इसलिए तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। तुम्हें उसको थोड़ा इग्नोर करना होगा, थोड़ा अवॉइड करना होगा। जब तुम उसे इग्नोर करोगी तो वो देखेगा कि डॉली मुझको क्यों नहीं भाव दे रही, और उसके बाद वो धीरे धीरे तुम्हें मिस करने लगेगा, और जब वो तुम्हें मिस करने लगेगा तो उसके पुर्जे पुर्जे हिल जाएंगे, दिमाग खिसक जाएगा। इसका मतलब उसके दिमाग में केमिकल लोचा होने लगेगा, फिर उसे तुमसे प्यार हो जाएगा और एक दिन वो कहने लगेगा, डॉली डॉली आई मिस यू डॉली, आई लव यू डॉली। हाय, कब से मेरे बंजर जमीन जैसे ये कान तरस रहे थे इन तीन शब्दों की बारिश के लिए। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू।
प्रेम से प्यार पाने के लिए अगर मुझे उसे इग्नोर भी करना पड़ा तो मैं करूंगी। क्या खिचड़ी पकाई जा रही है आपस में? खिचड़ी यारो, कोई खिचड़ी नहीं पका रहा यारो। ओके मैं चलती हूँ, बाय अमर। बाय बाय यारो, जल्दी मिलते हैं। बाय, नाइस टी शर्ट। थैंक यू, जल्दी मिलती हूँ। बाय डॉली, बाय बाय। ये क्या अजूबा हो गया यार, ये तो मुझ पे ऐसे चिपकती थी जैसे जलेबी मधुमक्खी पे चिपकती हो। आज चिपकना तो छोड़, देखा तक नहीं इसने मुझे। इसका व्रत है क्या आज? नहीं, इसका कोई व्रत नहीं, कोई फास्ट नहीं, ये तो बस यारों का कमाल है। डॉली ने राय मांगी थी यारों से कि उसे क्या करना चाहिए अगर प्रेम से प्रेम करवाना है, तो यारों ने उसे राय दी कि तुम्हें प्रेम को थोड़ा सा इग्नोर करना होगा, थोड़ा सा अवॉइड करना होगा। जब तुम उसे अवॉइड करोगी तो वो धीरे धीरे तुम्हें मिस करने लगेगा, उसे तुम्हारी याद आएगी और वो तुम्हें एक दिन कह देगा आई मिस यू, आई लव यू, बस यही कहा था। क्या बात कर रहे यार, तुझे पता है मैं कब से प्लान पे प्लान बना रहा था कि मैं डॉली को कैसे अपने से दूर रखूं, और तूने मेरे बिना कहे डॉली से दूर रहने का गिफ्ट दे दिया मेरे भाई। यारो तू ही मेरा सच्चा दोस्त है यार। हाँ हूँ, क्योंकि यारो तुम्हें खुश देख के बहुत खुश होता है। कमाल है यारो, कमाल है यार, तेरी एक एडवाइस ने लड़की को भी खुश कर दिया और लड़के को भी खुश कर दिया, दोनों को। मेरे दिमाग में ना एक और धांसू आइडिया है। धांसू आइडिया? हाँ, हम लोग ना बाहर एक बोर्ड लगाएंगे, लव सॉल्यूशंस इंक, यहाँ प्रेम संबंधित राय दी जाती है। मैं बता रहा हूँ यारो, तड़पते चोट खाए प्रेमी प्रेमिकाओं की लाइन लग जाएगी लाइन, और तू देखना हम लाखों में कमाएंगे, लाखों में। अबे गधे, तेरे पास कोई ऐसा बिजनेस का आइडिया है जो तू यारों के बिना कर सकता है? हाँ है ना, बता। बताओ। हेलो हेलो, तुम लोग दोनों मेरे को छोड़ोगे जरा? ओए तू एक काम कर, तू ना डंबल लेकर आ जा और यहाँ पे उसके साथ फेरे ले ना, शादी कर ले उससे तू। हाँ हाँ, तू जा यहाँ से। लड़ते रहते हैं। जब यारों ने तुम्हें पहली बार छुआ था तो पूरी बॉडी में करंट दौड़ गया था, स्पार्क हुआ था, यारों को शॉक लगा था। देखो फिर से झटका लगा, सच्ची लगा, मम्मी की कसम। यारो जब भी तुम्हें छूता है पुर्जे पुर्जे हिल जाते हैं, दिमाग खिसक जाता है और धड़कने पिथक जाती हैं। लगता है दिमाग में कोई केमिकल लोचा हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है? यारों को प्यार हो रहा है। कैसे हैं आप? पापा ने जैसा बताया था, जब कोई प्यार में होता है तो जैसा उसका हाल होता है बिल्कुल वैसा ही हाल है, नाइट्रोजन से लेके हाइड्रोजन तक। कुछ भी नहीं समझ में आता, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ? हेल्प? तुम ही सिर्फ यारों की हेल्प कर सकती हो, और कोई यारों की हेल्प भी नहीं कर सकता। तुम कैसी हो? I am fine, but you look lovely today. Lovely? Lovely मतलब प्यारा। यारो तुमको प्यारा लगता है? तुम भी यारो को बहुत 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 ज्यादा प्यारी लगती हो। तुम्हारा नाम क्या है वॉशिंग मशीन? मेरा नाम मेरे डेटाबेस में फीड ही नहीं है, आप जो नाम देंगे मैं वो रख लूंगी। अच्छा, तो यारो एक बहुत अच्छा सा नाम सोच के बताएगा।
सोच लिया। जैसे कि देवदास की पारो थी वैसे तुम यारो की पारो हो। कितना अच्छा नाम है यारो और पारो। आप यारो हैं? हाँ। मैं पारो हूँ। पारो, मुझे ये नाम पसंद आया। थैंक यू। अब क्या मैं आपके कपड़े धो सकती हूँ? हाँ पारो, सिर्फ तुम ही यारो के कपड़े धो सकती हो और किसी को ये हक नहीं दूंगा। अब खुश? आपकी जैकेट धुल गई है यारो। थैंक यू पारो। पारो, अगर आज यारो के पास स्मेलिंग पावर होती तो तुम्हारे हाथों की खुशबू यारो सूंघ लेता। हाथों की नहीं, डिटर्जेंट की। लेकिन तुम भी तो अपने हाथों से ही धोती हो पारो। यारो तुम्हें आज कुछ कहना चाहता है। यस यारो, टेल मी। तुम बिजली खाती हो, यारो भी बिजली खाता है। हम दोनों एक तार से बहुत प्यार से मिल बांट के बिजली खा लेंगे। 220 वोल्ट तुम खाना, 200 वोल्ट मैं खाऊंगा। जिंदगी भर यारों का साथ देना पारो। आई एम हियर टू हेल्प। पारो आपका साथ जरूर देगी यारो। अब पारो के साथ की ही जरूरत है यारो को। क्या अब मैं आपके कपड़े धो सकती हूँ? हाँ पारो, तुम कपड़े धोती रहना और यारो तुमसे कपड़े धुलवाता रहेगा। अरे बीना जी, आपने मेरी वो नई वॉशिंग मशीन ट्राई की कि नहीं अब तक? अरे कर कर के करना तो बहुत चाहती हूँ अग्रवाल साहब, लेकिन क्या करूँ, कपड़े ही गंदे नहीं हो रहे घर पे। देखिए ना कर कर के मुझे क्या करना पड़ रहा है। आपकी टी शर्ट से डस्टिंग करनी पड़ रही है ताकि ताकि कुछ तो गंदा हो, फिर मैं उसे धोऊंगी ना वॉशिंग मशीन में। ये क्या तरीका है बीना जी, मेरी नई टी शर्ट खराब कर रही है आप धोने के लिए। अरे लेकिन कपड़े गंदे तो चाहिए ना वॉशिंग मशीन में धोने के लिए। तो अपनी साड़ी यूज करो ना फिर। पापा, मम्मी, अरे यार तुम्हारी ये जैकेट सुकड़ कैसे गई इतनी? अरे हाँ पापा, जैकेट प्यार में सिकुड़ गई। प्यार में सिकुड़ गई? मम्मी पापा, यारो आज आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता है। बता बता के बताना यारो, कौन सी जरूरी बात बता। पापा, यारो के दिमाग में केमिकल लोचा हो गया है। हाँ पापा, यारो को झटका लगता है। यारो का पुरसा पुरसा हिल गया है, दिमाग खिसक गया है और धड़कनें पिटक गई हैं। मतलब यारो को प्यार हो गया है। यारो, आप उससे मिलना चाहेंगे? ऑफ कोर्स यारो, हम दोनों मिल मिल के मिलना चाहते हैं। यारो अभी पारो को लेकर आता है। अभी क्या अभी? तब बीना जी, मतलब लड़की बाहर खड़ी हुई है? मतलब कल तक तो लड़की पिक्चर में थी नहीं, अचानक आ गई। मतलब इसको लव एट फर्स्ट साइट तो नहीं हो गया? बीना जी, ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे मुझे आपको देख के प्यार हुआ था लव एट फर्स्ट साइट। बीना जी याद है ना? जी अग्रवाल साहब, आपको तो मौका मिला नहीं कि शरारती हो जाते हो। मैं तो वेट कर कर के कर ही नहीं पा रही हूँ। यारो हमें अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाने वाला है। माय गॉड, पापा पारो आ गई। कहाँ है पारो? बाहर क्यों छोड़ के आया है यारो? मैं हूँ पारो। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? ये है यारो की पारो। ये पारो। मम्मी आपने बिल्कुल सही कहा था,
पापा ने कोई वॉशिंग मशीन नहीं बनाई, पापा ने तो एक सुंदर सी छोटी सी सुंदर सी प्यारी सी नई नवेली यारों की पारो बनाई है। देखा बीना जी, इतना यारों ने चुटकुले भी मारने शुरू कर दिए। पापा कभी आप कहते हो कि चुटकुला मार दिया, कभी आप कहते हो कि शेर मार दिया, जबकि यारों ने तो कुछ भी नहीं मारा। हाँ यारो, ये पारो है, लेकिन एक बात बता, जब हम देनिस के साथ शादी करवाएंगे तो हम तेरे वेडिंग कार्ड में लिख लिख के क्या लिखेंगे? यारो वेड्स अ वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन। मम्मी यारो कुछ भी सहन कर सकता है, लेकिन यारो की पारो को कभी भी वॉशिंग मशीन नहीं कहना, क्योंकि ये सिर्फ यारो की पारो है। एक बार और टच करना एक बार और। ओके पापा। यार तू कर करके क्या कर रहा है यारो? यारो प्लीज बस कर, बहुत हंसा दिया, मेरा पेट दुख रहा है हंस हंस के। सुनिए, मुझे चाचा के पार्लर जाना है, मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ, आप कर करके अपनी बहू से बात कीजिए। पागल। वैसे मुझे एक बात की बहुत खुशी है, तू बिल्कुल इंसानों की तरह होता जा रहा है, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। एक सेंस ऑफ ह्यूमर की कमी थी, वो भी आ गई तेरे अंदर। पापा सेंस ऑफ ह्यूमर तो आपसे सीखा था, लेकिन ये तो केमिकल लोचा है, दिमाग का केमिकल लोचा है। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है तू, केमिकल लोचा हो गया है, लेकिन अभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, आता हूँ अभी। पारो, घर वाले हमारी बात को समझ ही नहीं रहे हैं, तुम्हें छूता हूं तो झटके लगते हैं, हम दोनों मोहब्बत में थोड़े हटके लगते हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.